इस अदरा दाल भरा पूरी बनाने के लिए चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ इतना स्वादिष्ट बिहारी स्टाइल दाल भरा पूरी कैसे बनती है। इस अदरा में इस तरह से फूली फूली दाल की पूरी बनाने के लिए चलिए मेरे। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पूरी, बिहार का बहुत ही फेमस दाल पूरी जो अदरा नक्षत्र, ऐसे भी लोग खाते हैं लेकिन अदरा नक्षत्र में ज़रूर बनता है। तो अदरा स्टार्ट हो गया है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पूरी। तो उसके लिए मैंने चने का दाल लिया है, इस कप से मेजरमेंट मैंने किया है, डेढ़ कप मैंने चना का दाल लिया था जिसे दो घंटे पहले मैंने फूलने के लिए डाल दिया था, वो फूल कर इतना हो गया है। तो इसे मैं अब कुकर में डाल दूँगी, मैंने कुकर लिया है और पूरे दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो देखिए कुकर में मैंने डाल दिया है, अब मैं इसमें एक कटोरा इस कटोरे से पानी डाल देती हूँ। तो दाल के थोड़ा सा ऊपर इतना देख रहे हैं तक आया हुआ है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस कुकर का ढक्कन लगाकर मैं इसे गैस पर चढ़ा दूँगी और चार सीटी लगा लूँगी, उसके बाद गैस को ऑफ कर दूँगी। इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है दाल को, बिल्कुल थोड़ा खड़े रखना है तो ही अच्छा लगता है दाल भरा पूरी। इसे बंद करके और मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। तो देखिए जब तक मेरा दाल पक रहा है, मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो आटा मैंने जिस कप से मेजरमेंट मैंने बताया था, इस कप से, इसी कप से मैंने चार कप आटा लिया है। और इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच, हाथों से अच्छे से मसल कर इसे साफ़ कर लिया, अजवाइन। और साथ मैंने यहाँ पे एक चम्मच घी लिया है, शुद्ध गाय का देसी घी है। आप चाहते इसके जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट बनता है और अच्छा बनता है, तो मैंने घी डाला है। और इसे मिलाकर अच्छे से, यहाँ पे मैंने एक कटोरा पानी ले लिया है, इसी से मैं गूँथ लूँगी आटे को। देखिए आटा को मैंने लगा लिया है और इसे ऊपर से मैंने घी थोड़ा सा लगा दिया ताकि आटा मेरा सूखे नहीं, चिकना रहे। अब मैं इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देती ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और पूरा आटा गूँथने में मुझे एक कटोरा पानी में इतना पानी बच गया है, इतना ही लगा है। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इधर दाल भी मेरा हो गया, मैंने गैस को बंद कर दिया, इसका सीटी निकलेगा तो इसे खोल कर दिखाऊँगी। तो देखिए दिखा दूँ, दाल मैंने चार सीटी लगाकर बंद कर दिया था गैस और सीटी निकल गया, तो मैंने खोला है। देखिए इस तरह से नज़दीक से दिखाती हूँ, दाल मेरा अच्छे से पक गया है। तो अब गैस पर मैंने एक पैन ले लिया, इसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी जीरा 1 छोटा चम्मच, ऐसे चटकने दूँगी। और साथ ही कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, ये देखिए दालचीनी, छोटी इलायची, गोलमिर्च, अदरक, लहसुन को कूट लिया है और अदरक को घस लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। इन सभी को डाल देती हूँ इस तरह से, सभी को अच्छे से चटक ले डाल देती हूँ मसालों को। तब मैं डालूँगी लहसुन और अदरक। मसाले चटक गए हैं तो अब मैं इसमें डालूँगी तेज़पत्ता और साथ ही 1 पिंच हींग डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे मिला देती हूँ और मिलाने के बाद मैंने जो यहाँ पे अदरक और लहसुन लिया है इसे डाल देती हूँ। दाल को इसे भी अच्छे से मिला देती हूँ इस तरह से। देखिए लहसुन अदरक भी पक चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी, एक मैंने प्याज को बारीक कट करके रखा था इसे डाल देती हूँ। और साथ ही मैं 2 हरी मिर्च को बहुत बारीक कट करके रखा था इसे भी डाल देती हूँ। और इसे थोड़ी देर के लिए मैं भून लेती हूँ। प्याज मेरा हल्का लाल और मुलायम हो जाए तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी नमक। नमक मैंने दाल में भी डाला हुआ है, तो बिल्कुल थोड़ा सा डालें ताकि प्याज गल जाए, अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब गैस को लो टू मीडियम फ्लेम रखूँगी, ऐसे भून लेती हूँ। मैंने आटे में नमक नहीं डाला है, आप चाहे तो आटे गूँथते समय भी उसमें थोड़ा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बिना नमक का खाना है उसे गूँथा है। तो देखिए प्याज मेरा हल्का लाल हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ही मैं कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर, आपको तिखाना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गोल मिर्च कूटा हुआ डालूँगी, तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आपके पास अगर कच्चे आम हो तो उसे भी घस के या पीस के डाल सकते हैं। ये बिहारी स्टाइल में बना रही हूँ दाल पूरी, तो खट्टा बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा लगता है इससे फ्लेवर। तो मेरे पास अभी अवेलेबल था आमचूर मैंने डाला, आपके पास अगर हो आम कच्चे तो वो भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से भून लेती हूँ।
मसाले मेरे जले नहीं, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा ये जो दाल है इसका पानी डाल देती हूँ, इसके साथ अच्छे से भुना जाए। थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी पाउडर और आधा से थोड़ा कम छोटे चम्मच से मैं गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ। अब इन सभी को डालकर अच्छे से मैं थोड़ी देर भून लेती हूँ, 2 से 3 मिनट, ताकि मसाला मेरे अच्छे से भून जाए। तो देखिए 2 मिनट हो गया है, 2 से 2.5 मिनट मसाला भूनते हुए। अब मैंने यहाँ जो दाल लिया है इसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाती हूँ और इसे अच्छे से भून लूँगी। दाल को मैंने डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ ताकि इसका पानी अच्छे से पूरा सूख जाए। देख रहा है, इसे अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो देखिए दाल अच्छे से भुना चुका है, इसका पानी पूरा सूख गया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी और डाल के अच्छे से मिलाकर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखिए मेरा आटा भी सेट हो गया है। अब मैं इसका एक इस तरह से लोई लूँगी डो से निकाल कर, और यहाँ पे मैंने सूखे आटे लिए हैं, ये थोड़ा सा लगा लूँगी ऐसे अंगूठे की सहायता से दबाते हुए बीच में इस तरह से होल कर लूँगी। यहाँ पे दाल भी मेरा ठंडा हो चुका है, इसमें डाल लेती हूँ दाल इस तरह से, उसका मुंह बंद कर देती हूँ। देख रहे हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल है ताकि गर्म हो जाए। और इस तरह से मैं इसे फिर से सूखे आटे थोड़े से लगा लूँगी और इसे हल्का बेल लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं दबाव के साथ, हल्का बिल्कुल हाथों से इसे बेलना है इस तरह से। देखिए तो तैयार हो गया और तेल मेरा पहले से मैंने चढ़ाया था तो गर्म हो गया, तो इसमें मैं डाल देती हूँ इस तरह से, देख रहे हैं। और एक साइड ये पक जाएगा, दूसरे साइड से पलट के मैं फिर से भी सेक लूँगी, दोनों साइड से लाल कर लूँगी, इसे लाल होने देती हूँ और सेम प्रोसेस से दूसरा भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा दाल वाला पूरी तैयार हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में रखा है मैंने, और सेम दूसरा मैं इसमें डाल देती हूँ। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम रखूँगी, बहुत हाई नहीं रखूँगी वरना ये जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से पकेंगे नहीं, आटे कच्चे रह जाएंगे। मैंने गैस को लो टू मीडियम फ्लेम रखा है। देखिए तो इसी तरह से सारे मैं दाल पूरी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से फूली फूली पूरियाँ बनकर मेरी तैयार हो गई है, लाल लाल बिल्कुल, देखिए इस तरह से। तो आप सब भी इस अदरा में इस तरह से दाल भरा पूरी बनाकर खाएं और घर वालों को खिलाएं। देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे से लाल हो गए हैं, पलट पलट कर मैंने कर लिया बना लिया है, इसी तरह सभी को बना लूँगी। तो ये तैयार हो गया मेरा दाल भरा पूरी बिहारी स्टाइल, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन को इन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।